हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। और आपका वापस से स्वागत है खतरनाक गेम प्ले वीडियो में, खतरनाक माइनक्राफ्ट की गेम प्ले वीडियो में। और आज हम बनाएंगे ऑटोमेटिक आयरन फार्म, मतलब कि ऑटोमेटिक अनलिमिटेड आयरन फार्म, वो भी बहुत ही इजी वाला। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, पहले से नागिन निकाली और जिसमें बहुत ही कम मटेरियल लगता है, पूछो मत। और इतना इजी होता बनाने के लिए, क्या ही बोले। ये क्या हुआ, लाइट चली गई क्या जादू? हाँ लाइट चली गई क्या? हाँ लाइट चली गई यार, जनरेटर लगा यार, पैसों की कमी कहाँ है हमारे पास। मेरी वीडियो बन रही है, जनरेटर लगा जल्दी से। पैसों की तो कमी ही कमी है, जनरेटर भी हमारा थोड़ी है, बिंटू की शादी से चुरा के आए हैं। ये क्या बोल रहे भाई, जनरेटर ला? हाँ लगा रहा हूँ, झूठ बोलता रहता है, लगा रहा हूँ। तो गाइस, तो मैं आपको जगह दिखा देता हूँ, हमें कहाँ बनाना है अपना आयरन फार्म। तो हम बनाएंगे अपना आयरन फार्म यहाँ। और ये कौन है, क्या नाम है इसे ट्रेडर का? ये क्या दे रहा है भाई, ये शैल दे रहा है भाई? भाई मैं आया भाई। भाई जो शैल दे रहे ना, ये बहुत ही रेयर चीज है, जो भाई ये वाले विलेजर्स क्या बोलते हैं इनको, ट्रेड करते हैं। मेरे पे 20 एमरल्ड पड़ेंगे, मेरे पास 30 एमरल्ड पड़े हैं। ये मैंने ट्रेडिंग की थी, मतलब बहुत ही दूर यहाँ एक विलेज है, लेकिन पास में नहीं हो, 5000 ब्लॉक दूर है। जब मैंने स्टार्टिंग की थी वर्ल्ड में, तब मिली थी और तभी मैंने सब कुछ कर लिया था। और आजा बेटे, तू तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले। रुक जा, कितने देगा? 2, 3, 4, 5 भाई 5 दे दिए, 6 चाहिए होते हैं। दे दे भाई, भाई और दे दे भाई, क्या कहाँ जा रहा है भाई? रुक। अरे भाई भाई भाई, अब यार इसके अलावा मारेंगे, रुक। आजा, क्या दे रहा है यार? और 5 नहीं दे रहा क्या भाई? बट यार बहुत खुशी है मुझे कि इसने 5 हमें ये शैल दे दिए। इससे एक ऐसी चीज़ बनती है यार, इसके लिए पहले तो मुझे हार्ट ऑफ सी चाहिएगा, उसके अंदर अंडर वाटर बनती है, जो भी चीज़ होती है अंडर वाटर बनती है। और इससे ना हम अंडर वाटर ब्रीथ ले सकते हैं बहुत सारी, हमें मतलब बीकन होता है ना, उसकी कॉपी होती है इसे, कोल्ड्रन ऐसा कुछ तो कहते हैं। चलो इसे इग्नोर मारो, आज हम बनाएंगे आयरन फार्म। मैंने जगह दिखा दी और उसके लिए जितना भी सामान चाहिए रहेगा मैंने इकट्ठा कर रखा है। मैं दिखा देता हूँ क्या क्या सामान चाहिए रहेगा। ये सारा सामान आपको चाहिए रहेगा, ये जितना भी सामान दिख रहा है सारा चाहिए होगा, बकेट नहीं चाहिए होगी और सारा सामान चाहिए रहेगा। और ओ भाई, एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ, वो लेके आ जाता हूँ मैं सबसे पहले। तो भाई जो चीज़ मैं भूल रहा हूँ ना, वो इधर था, हाँ ये रहा, एक नेम टैग चाहिए रहेगा, ये भी विलेजर्स का चुराया हुआ है। और इसका हम नेम देंगे, देखते हैं क्या देंगे। एक्सपी कितनी लगेगी यार, 6 XP है यार मेरी। हम इसको एक चाहिए रहेगी इसकी तो XP, हम इसको नाम देंगे। ये बताऊँ किसके लिए चाहिए, तो कातिल नाम रख लिया हमने इस नेम टैग का। हमें फिर जो जॉम्बी होएगा ना, उसे नेम टैग देना पड़ेगा, कोई भी नेम टैग दे सकते हो, मैं कातिल दे रहा हूँ। रात हो रही है क्या? सो जाते हैं, रात हो रही है तो अच्छा, नाइट नहीं हो रही, पता नहीं दिन ही ऐसा हो रखा है यार, पूरा नीला नहीं आसमान। छोड़ो ना भाई, 2 विलेजर्स चाहिए रहेंगे जो मैं ले आऊँगा आसानी से स्काईरेल की मदद से। और एक हमें चाहिए रहेगा जॉम्बी, क्योंकि जॉम्बी से ही तो हमें भाई आयरन गोलम मिलेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ इधर बना लें अपना, क्योंकि यार आगे मुझे जाना नहीं है, इधर ही बना लेते हैं ना यार, एकदम ईजी सा बनेगा। तो सबसे पहले मुझे कुछ टेम्प्रेरी ब्लॉक्स लेने हैं, जो कि ये रे 7 की हाइट भी लेके जाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 5, 6, 7 की हाइट पे लेके जाने के बाद स्टोन ब्रिक्स लेने हैं आपने, मतलब स्टोन ब्रिक्स जिसका भी आपने बिल्डिंग ब्लॉक ले लेना है। 1 यहाँ लगाना है, दूसरा यहाँ लगाना है, 2 यहाँ लगाना है, 1, 2 फिर यही जो बिल्डिंग ब्लॉक बीच में लगा उसके भी अगल बगल 2-2 लगाते जाने, जैसे मैं लगा रहा हूँ। और फिर इसे हमें कवर भर देना है, मतलब सिंपल सी बात है, हमें ना 5x5 का एक सरफेस बना लेना, प्लेटफॉर्म बना लेना है, जिसमें हमारे आयरन गोलम स्पॉन होंगे और अपने जॉम्बीज इसमें ही रहेगा और विलेजर्स भी इसमें रहेंगे। छोटा सा फार्म होगा, बहुत इजी है, गिना देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 बारिश हो रही है, क्या हो रही है, नाइट होगी ना, सो के आते हैं। तो गाइस सुहानी सी सुबह हो चुकी है,
अरे ज़ॉम्बीज़ क्यों नहीं मर रहे हैं? आप मर रहे हैं। कौन सा ग्लिच हो रखा है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है यार मेरे गेम में। पता नहीं मुझसे कोई सेटिंग वेटिंग लग गई होगी, उसका ही ग्लिच हो रखा है। कभी यार कुछ होता कभी कुछ होता, समझ नहीं आता। और उसके बाद इतना प्लेटफॉर्म बनाने के बाद, अरे यार ये वापस लाइट चली गई क्या जादू? हाँ? लाइट चली गई यार, जनरेटर क्यों, क्या हो गया यार, खराब जनरेटर निकला क्या? अरे जनरेटर तो ठीक है, पेट्रोल खत्म हो गया उसमें, पेट्रोल ले जनरेटर। अरे भाई डाल देना पेट्रोल, पैसों की कमी कहाँ है हमारे पास, हमारा घर के पीछे एक पेट्रोल पंप खुला हुआ है यार। अरे भाई पैसों की तो कमी है, और पीछे हमारा पेट्रोल पंप नहीं वाटर पंप खुला हुआ है, वो भी गटर का। अरे भाई यार तू सारी चीजें बोल देता, चुप रहना तो। जो सच है भाई सच है यार, थोड़ी देर इंतजार कर, लाइट आ जाएगी, जनरेटर में पेट्रोल नहीं और पेट्रोल में पैसे नहीं है, 100 रुपए लीटर हो रहा है पेट्रोल, जनरेटर कितना पी रहा है पेट्रोल पता है तुझे? चल ठीक। थोड़ी देर बाद भाई लाइट आ गई, अब आएंगे ना मजा बिड़ो, तो लेट्स कंटिन्यू। आपने ग्लासेस लेने जो किए रे, और फिर तीन ऊपर लेके जाने, एक दो तीन, ऐसे तीन के हाइट पे लेके जाने, ठीक है, जैसे मैं लेके जा रहा हूँ। और फिर एक ही है ना, मतलब जहाँ से आपको ना वो चेस्ट, मतलब जहाँ चेस्ट के तरफ रखना है आपने, जैसे कि मुझे यहाँ आना है और यहाँ से सिर्फ मुझे चेस्ट से लेके जाना है, तो मैं यहाँ एक ब्लॉक छोड़ूंगा ऐसे करके। मतलब कि आपको ना ये जो बीच वाली लाइन है ना, जैसे कि ये अपना सेंटर ब्लॉक है, तो इसके यहाँ या फिर यहाँ या फिर यहाँ यहाँ, इनमें से आप एक ब्लॉक छोड़ सकते हो, जैसे कि मैंने छोड़ा, छोड़ सकता नहीं, छोड़ना है, इनके नहीं छोड़ने कोई बात ही नहीं, बट एक इधर का तो छोड़ना ही छोड़ना है, ठीक है। और उसके बाद कितने ग्लासेस वेस्ट होते हैं, कैल्प फार्म वाली वीडियो में भी बहुत ग्लासेस वेस्ट हुए थे, अगर नहीं देखी तो देखो, बहुत ही फनी वीडियो थी। तो फिर यहाँ आपने छोड़ा एक, फिर आपने लेने बेड, बेड आपको रखने पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऊपर जाना है आपने, और फिर एक बेड है ना यहाँ जो छोड़ा था ना हमने, ऐसे लगा देना ऐसे करके, ठीक है, आपने ऐसे लगाना है जैसे मैंने लगाया, सेम ऐसे लगाना है। और उसके बाद आपने ये तीन है ना, एक दो और तीन, बेड के पीछे वाले तोड़ देने हैं। और फिर आपने लेना है सोल सैंड कांगी, ये यहाँ सोल सैंड लेनी है आपने, और फिर यहाँ लगाना है जैसे कि मैं लगा देता हूँ, यहाँ नहीं लगाना आपने सोल सैंड, आपने यहाँ लगाना है, ये जो टेम्प्रेरी ब्लॉक लगाया था ऐसे करके ऐसे लगाने, एक नीचे, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ टेम्प्रेरी ब्लॉक लगाने हैं, मतलब ऐसे इसके सोल सैंड के बगल बगल में। और उसके बाद आपने ट्रैप डोर्स लेने हैं जैसे कि मेरे पास हैं, क्राउच होके रखना है ऐसे करके, ये गलत रख रहा हूँ मैं ज़रा, आपने ऐसे करके रखना है, ऐसे खोलना है ना, तो ऐसे रखना है एकदम सेम जैसे मैंने रखना है, ऐसे ऐसे क्राउच होके स्पेस दबाना है तीन की हाइट पे, एक दो तीन तीन, और उसके बाद इसे खोल देना ऐसे ऐसे ऐसे, तो फिर ये कुछ बिल्डिंग की जो दीवारें होती है वैसा कुछ हो जाएगा। और उसके बाद आपने यहाँ रखना है बकेट ऑफ वाटर, और फिर कैल्प लेनी है, और फिर यहाँ लगा के तोड़ देनी है, उसके बाद ऐसे होएगा देखो, ठीक है। उसके बाद स्लैब्स लेना है आपने, और फिर ये ट्रैप डोर से ना इसके यहाँ यहाँ लगा देना है, और फिर आप ये पहले ये तोड़ देते हैं, ये जो हमने टेम्प्रेरी ब्लॉक लगाया था ये तोड़ भी सकते हो, आपका मर्जी है, मैं तो सजेस्ट करूँगा तोड़ ही दो, ठीक है। फिर आपने तोड़ सकते हो आप ये टेम्प्रेरी ब्लॉक। उसके बाद यहाँ ना ये यहाँ अपना जॉम्बी बैठेगा, यहाँ विलेजर्स होंगे, तो फिर जॉम्बी यहाँ ना आ पाए तो इसे हम स्लैब से बंद कर देंगे, ठीक है। और फिर आपने वापस ऊपर जाना है, और फिर जो आपका बिल्डिंग ब्लॉक है उससे इतना कवर कर देना है जितना हमने बनाया ना ऐसे करके, ये बीच वाला एक ब्लॉक है ना इसे छोड़ देना है, और फिर सारे कवर कर देना है। इधर से आप क्या आ जाएंगे विलेजर्स, और सीधा जाके यहाँ आ जाएगा आपका जॉम्बी। तो जल्दी से मैं ना विलेजर लेके आता हूँ स्काई रेल के साथ, मतलब बहुत दूर है, उधर भी अपनी स्काई रेल जा रही है, ये तो चंक कम है इसलिए इतनी दिख रही है, वरना बहुत दूर तक जा रखी है, ये पूरे विलेज तक जा रखी है वाली स्काई रेल। तो जल्दी से मैं विलेजर्स लेके आता हूँ, सिर्फ दो ही विलेजर्स चाहिए, फिर मैं उनकी पॉपुलेशन वैसे भी बढ़ा दूँगा। गाइस विलेजर्स तो मैं लेके आ चुका हूँ, और रात भी हो रही है, अभी मैं जॉम्बी भी ला सकता हूँ, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा अभी मत लाइएगा, क्योंकि अगर यहाँ भी जॉम्बी डालोगे ना, नेम टैग एम टैग सब दे दोगे, अभी से ये विलेजर डरना स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर यहाँ गोलम स्पॉन होना अभी से स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर आपको वर्क नहीं करने देंगे। और अगर आपने गलती से ऐसे कर दिया ना,
आपका जो गंदा हाल करेंगे ना, क्या ही बोले, चाहे डायमंड की चेस्ट प्लेट हो फिर भी भाई बहुत गंदा मारते हैं। अरे यार छोड़ो। तो गाइस इतना करने के बाद आपको कुछ ये वॉल्स जो कि ये रही, क्या ग्लिच हो रखा है यार, ये देखो ठीक करूँगा यार, माइनक्राफ्ट में कुछ ग्लिच हो रखा है, वर्जन मेरा पुराना हो रखा है ना इसलिए। तो गाइस इतना करने के बाद आपने ट्रैप डोर वापस लगाना है, जो मैंने लगाया था अभी ट्रैप डोर लगाना है ऐसे, ये यहाँ एक वो है ना यहाँ, तो ऐसे करके यहाँ जा सकता है, तो आपको यहाँ लगाना है ये है ना, ये देखो ये ना स्लैब, इस पर लगाना है ऐसे करके, तो यहाँ लग जाएगा। इसे खोलना कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसे नहीं खोलना, इसे ऐसे ही बंद रखने दो, बंद रखा रखो और फिर ऐसे ऊपर चल जाते हैं। तो इतना करने के बाद कुछ हमें ऐसा करना है कि यहाँ वॉल्स नहीं लगानी, ये गलत लगा दी मैंने, यहाँ आपने एक टेम्प्रेरी ब्लॉक लगाना है, इधर इस पर वॉल लगानी है और फिर इसे तोड़ देना है। इसे तोड़ने के बाद फिर आपको इसे कंटिन्यू रखना है, मतलब लगाते जाना है। इतना करने के बाद आपने ये जैसे कि यहाँ मुझे चेस्ट रखनी है, तो यहाँ मैं तोड़ देता हूँ एक, और एक यहाँ और एक यहाँ तोड़ देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपने हॉपर लेने हैं, कहाँगे मेरे हॉपर, हॉपर नहीं लाया मैं, तो गाइस हॉपर और चेस्ट तो मैं लेके आ चुका हूँ, कहाँगे मेरे एक ये चेस्ट रही और ये दो हॉपर रहे मेरे हैं। उसके बाद आपने हॉपर ऐसे लगाने, पहले यहाँ आपने चेस्ट रखनी है ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद एक हॉपर इधर लगाना है और एक हॉपर इधर, ऐसे जॉइंट करके लगाने हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ आप डबल चेस्ट भी कर सकते हो, जैसे कि मैं कर लेता हूँ एक बार डबल चेस्ट, चेस्ट बना के आता हूँ, सबसे पहले मैं चेस्ट बना के ही आता हूँ, जल्दी से बना के आता हूँ। तो ऐसा बनाने के बाद आपने वाटर्स लेनी है, वाटर बकेट ना, पहले आपने लेनी है ये क्या बोलते हैं इसे, वॉल लेनी, और जो मिडल है ना, जैसे कि ये वाला हॉपर है, यही मिडल है, तो इस पर एक दो और ये तीन, तीन लगाने के बाद आपने एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ और एक एक और एक यहाँ, ऐसे करके लगाने हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स, और फिर ये जो अपने ये है ना क्या बोलते हैं साइन बोर्ड, इसको नीचे वाले कुछ छोड़ के ये वाला नीचे वाला, ये मिडल वाले पे लगाना है ऐसे कर। अरे ना यार मैं ऊपर वाले में लगा रहा था, गलत लगा रहा था मैं, तोड़ते हैं ये जो है ना ये वाला मिडल वाला, ये मिडल ये रहा, ये तो नीचे एक लोएस्ट वाला है, मिडल वाले में ऐसे लगाने हैं, ऐसे करके लगाने के बाद इन पे चढ़ना है, और जो मिडल वाले लगाए ना इन पे लगा के वो एरो लगा के क्राउच होके लगाना है ऐसे करके, तो ऐसे लगेगा। आपने हर जगह पे ऐसे करना है। इतना करने के बाद आपने सब टेम्परेरी ब्लॉक्स लगाए ना ये तोड़ देने हैं, और फिर आपका कुछ ये ऐसा दिखेगा, और फिर ये जो बीच वाले है ना हमने लगाई थी, क्या बोलते हैं ये जो लगाई थी ना हमने स्टोन ब्रिक, ये तोड़ देना और यहाँ लावा डालना है। लावा में वापस से भूल गया हूँ, लेके आता हूँ गाइस। ये रहा हमारा लावा, ये देखना, ये देखो मस्त लगता है यार लावा। ये लावा की एक बकेट लेनी है, इसमें जल मत जाना, मेरी जैसी हरकतें मत करना वरना जल जाओगे। तो ये वापस से नहीं, इस पर लगा देनी है, एक बिल्डिंग कर लेते हैं, मतलब एक हाइट चले जाते हैं, इस पर भी यार पानी से जाना पड़ता है यार, क्या ही दिन आ गए। उसके बाद लावा बकेट यहाँ डाल देनी है, तो ये लावा बकेट मतलब फैलेगी नहीं साइन बोर्ड की वजह से। और फिर आपको लेके आनी है चार चाहिए होंगी हमें बकेट्स, तो जल्दी से मैं एक और लेके आता हूँ। बच गया भाई, बचा मर गया, बच गया मतलब हेल्थ तो गई बट बच गया। ये कौन सा वाला है, ये वही वाला है जिंदा बच गया क्या, दे रहा है क्या और नहीं दे रहा क्या, छोड़ो। अब तो इसकी लामा भी नहीं है जो हमें मारने आएगा ये। चलो चार बकेट रोज का काम मेरा, रोज का ना, चार बकेट रात का काम मेरा रोज का, पता नहीं क्या गाना था, अपने हिसाब से गाने बजाएंगे। और उसके बाद आपने एक बिल्डिंग ब्लॉक लेना है, जैसे कि एक ही है मेरे पास ये, और फिर चेस्ट एक जो मिडल वाली चेस्ट है उस पे लगानी है ऐसे करके, ठीक है। और फिर एक बकेट यहाँ डालनी है, इधर मत डाल देना और नीचे चला जाएगा, एक बकेट इधर डालनी है ना, पहले ये बंद कर देते ना ऐसे करके, एक बकेट इधर डालनी है, एक बकेट इधर डालनी है, एक बकेट इधर डालनी है ना, ये वाली अलग इधर डालनी है,
ठीक है, और उसके बाद ये जो हमने टेम्प्रेरी ब्लॉक लगाया ये तोड़ देना है। भाई मर रहा हूँ भाई, मैं मर रहा हूँ भाई। यहाँ ना हम एक स्लैब लगा देते हैं जिससे हम चढ़ पाए। हाँ स्लैब से यार चढ़ना आसान हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ भी पानी डालना है आपने, ऐसे करके ऐसे। ये नहीं डला क्या? वापस लो भाई। यहाँ से यार मैंने एक निकाली, एक ही चेस्ट काफ़ी है क्योंकि ये गलत बन गया मुझसे थोड़ा थोड़ा। इतना करने के बाद जहाँ आपका विलेजर्स का है ना, जैसे कि ये रहा मेरा विलेजर्स का, इधर आपको लेके आना है एक विलेजर। उसके लिए सबसे पहले आपको ट्रैप डोर लगेगा। ट्रैप डोर कहाँ गया मेरा? ट्रैप डोर नहीं है मेरे पास, तो क्राफ्टिंग टेबल बना के कर लेते हैं यार। अब मैं घर नहीं जाने वाला क्योंकि दिमाग खराब हो गया मेरा। कि उसके बाद यहाँ ट्रैप डोर लगा देना है जहाँ मैं लगा रहा हूँ। तो जल्दी से ना मैं यहाँ एक जॉम्बी लाने का रास्ता बना लेता हूँ यार, जॉम्बी डाल देता हूँ इधर। तो गाइस ये फार्म एकदम प्रॉपरली वर्क कर रहा है। गाइस वर्क तो एकदम खतरनाक तरीके से कर रहा है ये। तो गाइस वर्क तो एकदम प्रॉपरली कर रहा है। और देखते हैं कितने आयरन हुए। अब 5 मिनट हुए मेरे बनाए हुए। कितने हुए? 16 आयरन हो गए गाइस। रियलिटी में तो 2 स्टैक हो गए थे आयरन इंगट, लेकिन मुझसे ना गलती से नीचे एक हॉपर लग गया तो सारा आयरन उसमें चला गया और 16 आयरन ही था। रियलिटी में 64 आयरन 5 मिनट में आ गए थे, यानी कि ये आयरन फार्म बहुत सारे आयरन देता है। तो ऐसा कुछ समझना मत कि 5 मिनट में 16 आयरन ही दिए। नीचे मैंने गलती से हॉपर बना लगा दिया था, उसमें सारे आयरन चले गए। 2-3 मिनट हुए हैं और भाई कंटिन्यूसली आयरन लगाकर स्पॉन हुए ही जा रहे हैं और मरे ही जा रहे हैं। बहुत ही खतरनाक फार्म है भाई, सबसे स्मॉलेस्ट फार्म है। हमेशा गिर जाता हूँ। सबसे स्मॉलेस्ट फार्म है बट बहुत ही खतरनाक फार्म है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी और फार्म अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।